सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 2020 से लास्ट नीट एग्जाम से लेके 2001 तक का लास्ट 20 इयर्स का जो हम क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जहां का भी है वो आज हम लेके आए हैं। ठीक, और उसको सॉल्व करने का आपको हम ट्रिक बताएंगे, सीधे दिमाग में बसा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एटलीस्ट कम से कम हमें 2 से 4 क्वेश्चन मिलता है नीट में भी और जो भी आप कंप्लीट एग्जाम देंगे वहां पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 2023 से लेके लास्ट 20 इयर्स तक का क्वेश्चन हमने यहाँ में कलेक्ट किया है और आपको वहां से लेके आए। मोस्ट प्रॉब्ली है कि यहीं से हमें क्वेश्चन मिलेगा, आप ये मान के चलिए। ठीक, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज। इसमें पूछ रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है। तो बोलिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, तो होमोलेप्टिक का मतलब था कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगांड, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लिगांड हो, वन काइंड या वन टाइप ऑफ लिगांड्स। एक दो डिफरेंट लिगांड नहीं होने चाहिए, एक ही लिगांड होने चाहिए। चलिए, ट्राई मतलब 3, एमाइन मतलब अमोनिया, एक्वा मतलब वाटर, काट दीजिए एक पोटेशियम। ठीक है, ट्राई मतलब 3, ऑक्सीलेटो मतलब C2O, 4 एल्यूमिनेट, सिर्फ एक ही नाम आपको आ रहा है ना, ऑक्सीलेटो C2O4। ठीक, बाइडेंटी लिगांड पढ़ा था, इसके ऊपर चार्ज क्या था -2, तो हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक, बाकी सब क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज है। आप देखिए कम से कम दो लिगांड है, एमाइन मतलब NH3, क्लोरिडो मतलब क्लोरो, पेंटामाइन मतलब NH3, कार्बोनेटो मतलब CO3, तो ये सब क्या, हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लिगांड होगा। ठीक, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ये भी नीट 2023 का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, चीलेट इफेक्ट, याद करिए फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चीलेट इफेक्ट। ठीक, चिलेशन, चिलेशन होने के नाते क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चिलेशन क्या था, 5 और 6 मेंबर रिंग जो पॉलीडेंटेड लिगांड होते हैं वो मेटल के साथ बनाते हैं। अब इसमें देखना है कि मोनोडेंटेट जो होता है वो चिलेट नहीं बनाता, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में थ्योरी सेशन में बोला है, इसलिए मोनोडेंटेड है तो आप काटते चलिए। ठीक, मोनोडेंटेड है काटते चलिए, यहां में आ गया बाइडेंटेड, दैट इज इथाइलीन डाइएमीन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से मिलेगा, याद रखिए स्टेबिलिटी जब आपको ऐसे देगा तो हमें देखना है स्ट्रॉन्ग लिगांड और दूसरा चिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें मैं देखना है भाई लिगॉन्ड की, स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड होगा तो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड वो होते हैं जिनमें एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक, एनर्जी ज्यादा क्रिएट करेंगे मतलब वही CFSC डेल्टा O कह सकते हैं। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या है, इथाइलीन डाइएमीन है, यहाँ भी इथाइलीन डाइएमीन बट 1 है, यहाँ में 2 है। ठीक, कॉन्डिशन नंबर अगर पूछेगा हमसे तो 2 2 4 + 2 6 है, यहाँ में 4 और 2 क्योंकि इथाइलीन डाइएमीन इज बाइडेंटेड लिगांड, तो यहाँ इसका भी कॉन्डिशन नंबर 6 है और इसका भी कॉन्डिशन नंबर 6 है। मेटल आपको सेम दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में सब में क्या आ रहा है +2 + 2 + 2, सबसे ज्यादा कहाँ में हम यहाँ में दिखाई दे रहा है, इथाइलीन डाइएमीन कितना आ रहा है, 3 है ना। ठीक, तो यहाँ में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सी का, तो सी का यहाँ में ये देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा कट हो गया, सी का सबसे ज्यादा। उसके बाद 3 है, 3 से कम काम है आपको दिखाई दे रहा है, 2 लिगांड है, तो सी के बाद क्या होना चाहिए, बी सॉरी ए, सी के बाद ए, सी के बाद ए मतलब ये काट दीजिए, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। ठीक, तो ये 2022 का क्वेश्चन था। हाँ, अगर ये वेवलेंथ का कुछ क्वेश्चन पूछा होता तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, बोलिए E=hc/λ, तो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेगा, शायद नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर पूछा होता तो हमारा ऑर्डर उल्टा हो जाता। ठीक, क्लियर। चलिए, नीट 2022 का क्वेश्चन है, आईपीसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। यदि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ जो आपको दिया रहता है इसका ये कैटायन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन पार्ट है इसका, और इसको बोलते हैं एनायन पार्ट। ठीक, क्लियर। चलिए, अब एनायन जब होता है तो उसमें रूल में क्या होता था कि मेटल का नाम बदल जाता है, मेटल के नाम में क्या लगाते हैं हम, ATE, जैसे कॉपर होने से क्या लिखते थे, क्यूप्रेट। ठीक, आयरन होने से क्या लिखते थे, फेरेट। ठीक, सिल्वर होने से क्या लिखते थे, अर्जेंटेट।
ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर है तो आपको पहले भी बोला हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आंख बंद करके बांध, तो दो और दो का ऑप्शन तो कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। अब ये वाला पार्ट जो है साइनो के साथ वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका नाम क्या आना चाहिए, अर्जेंटेट। तो साइनो वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, अर्जेंटेट आ रहा है, ठीक। यहां में साइनो वाले पार्ट में क्या आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा काम होंगे, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आप उड़ाते चलेंगे, आप एक बार थ्योरी को देख लीजिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बाकी आप हमें छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ईडीटीए, ईडीटीए सुनते ही क्या दिमाग में आता है, हेक्साडेंटेट लिगांड, ये एक हेक्साडेंटेट लिगांड है, इसका एप्लीकेशन बोलते हैं तो वाटर को हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, ठीक। अब इसमें क्या था, चलिए फटाफट अगर स्ट्रक्चर बना दें, एन एच टू सी एच टू और फिर सी एच टू एन एच टू, मतलब हाइड्रोजन डालेंगे तो इथाइलिन डाई एमीन आएगा, इसको हटा के हम क्या डालते थे, सी एस टू सी ओ माइनस, यहाँ पे क्या डालते थे, सी एस टू सी ओ माइनस, यहाँ पे क्या आता था, टेट्रा नाम में, इसीलिए ईडीटीए बोलते हैं। यह हेक्साडेंटेट क्यों हुआ, तो चार डोनर एटम क्या है, दो ऑक्सीजन यहाँ का, दो ऑक्सीजन यहाँ का, ठीक। तो कितने हो गए, मैंने मॉर्निंग सेशन में भी थ्योरी सेशन में भी लिखा था, फोर ऑक्सीजन एटम है, एक डोनर एटम और नाइट्रोजन हमारे पास दो पेयर, यहाँ पे एक और एक दो, तो दो नाइट्रोजन डोनर एटम है, टोटल हमारे पास कितने हैं छह। अब आप देख लीजिए, यूनिडेंटेट तो है नहीं, बाइडेंटेट तो है नहीं, ट्राइडेंटेट तो है नहीं, बाकी हम सिर्फ एक चीज पता है कि हेक्साडेंटेट हमारा काम हो गया, ठीक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह कई बार पूछा हुआ है, ठीक। चलिए इसमें क्या करते थे, हम म्यू स्पिन निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका एक फॉर्मूला था अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, जहां में एन को हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये था कि अगर एन की वैल्यू वन है तो आप रख के सॉल्व करिएगा, म्यू हमारा कितना मिलेगा, 1.73, ठीक, क्योंकि अंडर रूट क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये हमको ऐसे भी ले देता है, ठीक, जब हम 2 रखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो म्यू कितना आ जाएगा हमारा, चलिए रख ही लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 4 टू जा 8, अंडर रूट 8, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 2.7 के आसपास आएगा या 2.8 के आसपास, ठीक। 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15, अगर ये 16 होता तो एग्जैक्टली 4 आता, बट उससे थोड़ा कम है तो 3.8, 3.7 इवन 3.9, ठीक। सिमिलरली 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 6, 6 4 जा 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24, 25 होने से एग्जैक्टली 5 आता, तो 4.9। उसी तरह 5 रखेंगे तो 5.9, मतलब क्या समझे कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ही हमारी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। चलिए रिवर्सली, जितना मैग्नेटिक मोमेंट है उतना हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शनल होगा नहीं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो यहाँ मेटल लिखा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो चलिए याद करिए, साइनाइड पे कितना चार्ज था, -1, -1, 6 है तो कितना हो गया, -6। आपको क्या बोला था, सेम साइन है तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है आंख बंद करके, तो आयरन हो गया +3, यहां में कुछ नहीं करना, आयरन हो गया +3, ठीक। चलिए यहां में कितना आ जाएगा, चलिए यहां में कितना आएगा, 6, तो -6 में से -4 निकल गया तो ये कितना हो गया, +2, और यहां पे क्या हो गया, +2, ठीक। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक मैं यहां निकालता हूं, चलिए आयरन को अगर हम +3 का कॉन्फिगरेशन लिखे तो पहले हम पेरेंट का लिखेंगे, तो आयरन होता है हमारा 26, 26, 20 का मतलब होता है 4s2, उसके बाद आप यहां में डाल दीजिए 6, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक। अब आयरन को अगर हम +3 में लेके जाएं तो याद ही रख लीजिए 3d5 आएगा, 3d5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, आप 10 से माइनस कर सकते हैं 5 के बाद, चलिए बना लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, एक ज्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5, 5 होने से क्या आएगा 5.9, 5.9 वैल्यू दिया है, दिया हुआ है, तो मिला लीजिए, ठीक है, क्लियर।
मिल जाएगा, तो सारी वैल्यू रख के मैं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ही हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगॉन्ड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिगॉन्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, इसको याद करने के लिए लंबा चौड़ा लिस्ट है, बट हम सीधा सीधा आपको यहाँ मेट्रिक लिख दे रहे हैं कि कार्बन डोनर वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कार्बन डोनर आइटम वाले लिगॉन्ड, मैंने जिनमें कार्बन डोनर है, उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन डोनर वाले, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन डोनर वाले, तब आते हैं सल्फर वाले या हैलोजन वाले। तो शायद इतना से हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड जो होता है वो सीएन, सीएन साइनाइड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग में साइनाइड है कार्बन वाले, ठीक। देखिए, कार्बन कार्बन, तो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो में ऑप्शन दिया था, इसलिए हमारा ए और ये ऑप्शन कट हो गया, क्लियर। क्योंकि कार्बन यहां देखिए कम आ रहा है आपको, फ्लोरीन वाला ज्यादा दिखा रहा है ना, ठीक, इसलिए ये कम है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है सीएन, देन सीओ, उसके बाद कार्बन वाला में आ गया ऑक्सीजन आ गया, फिर हैलोजन आएंगे, उसके बाद सल्फर वाले आएंगे, सबसे वीक होता है आयोडाइड, ठीक। तो ये सबसे वीकेस्ट होता है, उसके बाद होता है ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, देन एससीएन, आइसोथायो, ठीक है। बस इतना याद रखिए, तो सबसे स्ट्रांग हो गया वीक, सबसे स्ट्रांग हो गया साइनाइड, सबसे वीक हो गया आयोडाइड, उसके बाद आएगा ऑक्सीलेटिव, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही डी ब्लॉक में होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर मोशन जो होता है उनका वो फिक्स्ड होता है। चलिए, अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला लिख दिया, तो क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है 25, ये एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल क्यों होता है, क्योंकि 3d5 4s 1, ड्यू टू हाफ फील्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये अलग से क्वेश्चन है, ठीक। अब क्रोमियम को प्लस 3 में लेके जाइए, तो एक यहाँ से निकल गया और दो यहाँ से निकल गया, तो 3d3 है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू कितना आएगा, नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशन, ठीक। क्रोमियम इज 20, क्रोमियम इज, इसीलिए डाउट है ना, चलिए क्रोमियम इज 24, ठीक, 24 होने से क्या होता था, 3d5 4s1, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, बट यहाँ में गलती हो गया था, क्रोमियम इज 24, ठीक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 21, 22, 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, ठीक, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, एंड देन लास्ट जिंक 30। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3d ट्रांजिशन सीरीज, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर यहाँ में गलत है, मतलब ये 24 होगा, 25 लिख दिया था, बट ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि पहले 4s2 में जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रेफर जाएगा, तो ये ठीक। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक। तो देखिए, 2020 का क्वेश्चन है और लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन ऐसे मिला था, जो आपको करना है, और भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नीट 2019, देखना हर साल एक एक दो 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 क्वेश्चन है। 17-18 में तो चार चार क्वेश्चन आते थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4Fe-CN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें क्या था, तो देखिए पहले हमें देखना है कि साइनाइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड भी हम कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड, ठीक। अभी पीछे हमने ऑर्डर देखा था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड का मतलब क्या होता था, जिनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी, ठीक, क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर आप याद करिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न, तो ईजी ऊपर होता था और टी2जी नीचे होता था, ठीक है। ईजी में कितने दो ऑर्बिटल आते थे, इनको हम क्या बोलते हैं, d x square minus y square और d
जेड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, मतलब एक्सेस को होते हैं, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल। और इनको टी फॉर आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी फॉर ट्रिपलेट, मतलब तीन दोस्त अभी ऐसे हैं जो साथ में हैं, और वो कौन कौन रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक, स्क्वायर वाले जो होते हैं वो इजी ऊपर होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाई दे रहा है हमको, साइनाइड है, तो पेयरिंग क्या करेगा, मतलब ये गैप ज्यादा क्रिएट करेगा, गैप ज्यादा क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोर्स टू पेयरिंग। ठीक, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता था। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या बोलते थे, ट्रिक किस स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होने से हमें पेयरिंग करना है। ठीक है, अब इसमें कॉन्फिगरेशन आप देखिए, तो बोलिए कितना आएगा, प्लस फोर यहाँ से निकल गया, यहाँ से माइनस फोर, यहाँ में आएगा माइनस सिक्स माइनस है, तो दोनों सेम है, मतलब आयरन प्लस टू। आयरन जब प्लस टू में जाएगा तो कितना बचेगा, आयरन में से 26 होता है, 4s1, एक यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, मतलब 4s2, दो यहां से निकल गया, तो आयरन प्लस टू होने से 3d6। ठीक, तो 3d6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को में भरना है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड बॉन्ड है, साइनाइड है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका थ्रो होने जाएगा नहीं, तो वो क्या पसंद करेगा, फोर्स टू पेयरिंग। इसलिए इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, 3 2g 6, ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये वीक फील्ड होता तब इलेक्ट्रॉन ऊपर में जाता, हुंड्स रूल को फॉलो करते। ठीक है, इसलिए यहां में स्ट्रॉन्ग फील्ड बॉन्ड है, तब हमें क्या आएगा, ईजी खाली रहेगा, टी टू जी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक, वीक फील्ड होने से तो पहले हुंड्स रूल को फॉलो करते, 1 2 3 4 5 एंड देन फिर पेयरिंग होता। ठीक, क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी नीट 2018 का है, तभी जो पीछे किया था, तो यहां में आपको वैल्यू नहीं दिया है, बस ये अंडर रूट में रख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो कोबाल्ट का कितना होता है, 27 का कॉन्फिगरेशन लिख दीजिए। चलिए एक मैं निकालता हूँ कोबाल्ट 3 का, बाकी आप अपने से निकालिएगा, ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन किया है। चलिए पहले कोबाल्ट 27 अगर लिख दे, तो देखिए 20 का मतलब होता है 4s2 और 7 का मतलब हो गया 3d7, 3 प्लस लिखा है, मतलब दो यहां से निकालिए, एक यहां से निकालिए, तो क्या बच जाएगा, 3d6, 3d6 है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 से माइनस कर लीजिए 4, बट माइनस कब करना है, जब 5 या उससे ज्यादा होगा। ठीक, 5 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है, 1d1 d2 d3 d4, तो हमें माइनस नहीं करना है। ठीक, तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 × 4 + 2, 4 2 जा, ये शायद अंडर रूट छूट गया है क्या, ठीक है, ये अंडर रूट शायद छूटा हुआ है। ठीक है, तो 4 × 6 + अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 आएगा। तो चलिए ए का हमें क्या आना चाहिए, 4, ए का 4 दिखाई दे रहा है, यस, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी और डी तो कैंसिल हो गया, एक और हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी में क्या था, क्रोमियम, क्रोमियम को भी पीछे निकाला था, कितना आया था, 3 आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब 3 आएगा तो कितना मिलेगा हमको, अंडर रूट 3 × 3 + 2, मतलब अंडर रूट 3। क्रोमियम का कितना लिखेंगे, चलिए फिर से लिख देता हूँ, क्रोमियम इज 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इसका थोड़ा हटके होता है, 3d5 4s1, 3 निकाल दिए थे कि यहाँ से, 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा, 3d3 है, तो 3 अनपेयर्ड है, तो 3 × 3 + 2, 5 × 3 = 15, √15, √15 काम है ये रहा 5 वाला, तो B का क्या होना चाहिए, 5, B का 5 कहने दिया है, यस, ऑप्शन सी। ठीक, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मिल गया। ठीक, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही फॉर्मूले पे हमें कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। ठीक, सिर्फ नीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीट 2018 का, आयरन कार्बोनिल FeCO5 ट्राइन न्यूक्लियर, मोनो न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर। देखिए इस न्यूक्लियर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स, बट फिलहाल तो अभी सिलेबस में नहीं है, मेटल कार्बोनिल। ठीक, इसमें अगर एक ही मेटल होता है तो उसको बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर, और अगर दो होते हैं मतलब ओनली वन मेटल, और अगर दो होते हैं तब हम उसको बोलते हैं बाई या डाई न्यूक्लियर। ठीक, जब दो होते हैं,
जैसे मान लीजिए कैसे ले लेता हूँ, एम एन टू सी ओ का होल लाइन समथिंग, एफ टू सी ओ होल एट, सी ओ टू सी ओ होल एट, जब दो मेटल आपको दिखाई देगा ना तो हम उसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियर। तीन आने से क्या बोलेंगे तब, ट्राई न्यूक्लियर। ठीक, चार आने से टेट्रा न्यूक्लियर। तो देख लीजिए यहाँ में सिर्फ एक ही मेटल आया, ये है मोनो न्यूक्लियर। ठीक, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन है, आईटी का या ATEE का क्वेश्चन है, इसमें जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्डिंग है उसमें दोनों कैरेक्टर होता है, सिग्मा और पाई बोथ। ठीक, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है अगर देखें तो देखिए आयरन 1 2 3 4 और एक यहाँ में आ जाएगा 5। ठीक, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक, तो एक ही टॉपिक से तीन क्वेश्चन था, मैंने तीनों आपको यहाँ में डिस्कस कर दिया। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे, मोनो न्यूक्लियर। द टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। चलिए आइसोमेरिज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ में क्लियर कर देता हूँ। आयनाइजेशन आइसोमेरिज का मतलब क्या होता था कि जैसे कुछ मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन देयर आयनाइजेशन बिहेवियर। मतलब फर्निसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन आयनाइजेशन। ये सब छोड़िए, बस हमें क्या देखना है, अंदर बाहर करना है। ठीक, तो देखिए जो बाहर है वो तो अंदर आएगा, बट अंदर से बाहर अगर गया, ठीक है, तो इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। देखिए जो क्लोरीन अभी अंदर है उसका नाम क्या मैंने बोला था, क्लोरीडो, बट जो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, और ये ब्रोमीन अंदर आ गया। ठीक, तो इस जब अंदर बाहर किया है किसी को, जो बाहर था वो अंदर किया, जो अंदर से किसी को बाहर किया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आयनाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन देयर आयनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ तो फिलहाल बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए इससे भी आसान होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, क्योंकि ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स आएगा, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, जहां ऐसे दिखाई दिया ना, तो बस आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन। एंड आइसोमेरिज अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगॉन, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए। ठीक, तो जहां दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दिया ना, कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, तो ये आइसोमेरिज होगी। तो ये तो फिलहाल यहाँ में है ही नहीं। लिंकेज तो और भी आसान है, क्योंकि दिस लिंकेज आइसोमेरिज इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगॉन्ड। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बोला था कि लिगॉन्ड और उसका नेचर याद रखिए, बाकी सब आप उड़ाते चलेंगे। ठीक है, अब एम्बिडेंटेड में कौन कौन आते हैं, सीएन आते हैं, इसका पार्टनर एनसी आता है, नाइट्रीटो एन, ठीक, नाइट्रीटो ओ एस सी एन और एन सी एस। ठीक, क्लियर, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूँ, तो एस सी एन और उसकी जगह पे लिख देंगे एन सी एस। तो कई क्वेश्चन में अगर साइनाइड लिखा है हमसे, आइसोमर पूछ रहा है, तो क्या लिख देंगे, एन सी। दिस एंड दिस क्या बोल देंगे, लिंकेज, क्योंकि दे डिफर इन देयर मोड ऑफ अटैचमेंट। एम्बिडेंट लिगॉन्ड क्या था, तो हैविंग टू डोनर आइटम बट एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली वन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम। सब चीज दोनों में एक प्रॉब्लम है, अगर दोनों एक साथ देता तो बाइडेंटेड हो जाता, तो फंक्शनली दे आर मोनोडेंटेड बट हैविंग टू डोनर एटम्स। ठीक, एनओ टू लिखा है कहीं में, अगर हमसे क्या पूछेगा इसका आइसोमर, पे क्या लिख देंगे आंख बंद करके, ONO। HCN लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, NC। Yes, तो ये भी फिलहाल हमारा नहीं है, बच गया ज्योमेटिकल आइसोमेरिज। ठीक, क्योंकि कंडीशन नंबर क्या है, 6, तो सीस और ट्रांस, तो उसको बोलते हैं ज्योमेटिकल आइसोमेरिज। क्लियर, तो बाकी जो तीन नाम था वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज था, और ज्योमेटिकल और ऑप्टिकल को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आइसोमेरिज को। The geometric and magnetic behavior of this complex NiCO4 tetracarbonyl nickel. चलिए metal carbonyl है तो इसका oxidation state क्या होता है, 0। देखिए अब इसमें कहानी में थोड़ा यहाँ twist है। देखिए nickel होता है 28, ये valence bond theory का question है। तो 28 है तो बोलिए क्या लिख देंगे, 4s2 3d8। Oxidation state इसका 0 हो गया, है ना?
मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, बस बॉक्स बनाते जाइए। तो 3d8 d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ठीक, पहले हुंस रूल को फॉलो करना है, 2 3 4 5, यहां में क्या आ गया 6 7 8, 2 खाली, और s में कितना है? 2 खाली। इसके बाद क्या आएगा? p का 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। तो बोलिए याद करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से हमारे पास क्या था? दो ही ऑप्शन थे, आइदर sp3 और dsp2। dsp2 आने से क्या बोलते थे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर आने से क्या बोलते थे? dsp2। ठीक, और d का मतलब क्या होता है? इनर d, 3d। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होता था जब स्ट्रॉन्ग फील्डिंग ऑन आता था। जैसे देखा ना, VIP आते हैं ना, मिनिस्टर वगैरह, IAS वगैरह अधिकारी आते हैं, तो क्या होता है? साइन मारते हैं ना, रोड खाली करो, तो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग लिगामेंट जब आता है तो वो अपना रास्ता बनाएगा, तो पेयरिंग करा देता है। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये नाम आने से समझ आना है dsp2। sp3 को हम क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम ये देखिए, CO इज द, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, साइनाइड CO ऑलमोस्ट सेमी होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ में खाली नहीं है, जंप नहीं मार सकते आइदर sp3 और dsp2। तो ये हो गया हमारा 4s, मतलब 3d8 यहाँ में आ गया। उसके बाद ये क्या है? 4s, ये क्या है? 4p। या तो sp3 लेगा तो भी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, da में खाली नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। ठीक, तो अब ये क्या करता है? पेयरिंग करा देता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंक दीजिए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला दीजिए, तो इसलिए d में क्या हो गया? ये पूरा का पूरा भर गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगॉन्ड है नो डाउट, तो पेयरिंग कराएगा। क्यों कराएगा? जो अभी पीछे आया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 1 2 3 4 5 भर गया। अब आपका रास्ता क्लियर हो गया, एस खाली हो गया और पी का 3 खाली है, तो यहां से ये लेगा एस का 1 पी का 3। देखिए जो वीक फील्ड लिगॉन्ड होते हैं ना, क्लोराइड फ्लोराइड वाटर, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, ज्यादा प्रॉब्लम कौन करता है? एक्सेप्शनल कौन होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड। तो कब पेयरिंग करानी है, कब पेयरिंग नहीं करानी है, कलर्ड होगा कलरलेस होगा, वो डिपेंड करेगा एक्चुअली इस डी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, अब यहां से देखिए साइनाइड अपना एक एक लोन पेयर यहां दे देगा, तो बैठ गया, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, पेयर्ड है तो क्या लिख देंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था इसको? dsp2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड से ये होता था, बट थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया तो क्या बन गया? sp3। तो ये जल्दबाजी में हम साइनाइड CO देख के मार के आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक ऑप्शन है। एक स्क्वायर स्क्वायर तो है ही नहीं, टेट्राहेड्रल पैरा हुआ नहीं, पैरा कब होता? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, कोई इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन बी। ठीक, चलिए इसी लगे तो दो टॉपिक और यहां से लिख देता हूं। अगर यही हमारा साइनाइड होता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता ही था बोर्ड में, भी आना ही आता ही आता था, 2-, देखिए सेम कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ऑक्सीडेशन नंबर, यहां में क्या हो जाता था? dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये तीनों एक साथ भी क्वेश्चन है। ठीक, डायमैग्नेटिक, और दूसरा इसमें एक नाम आता है NiCl4, देखिए वीक फील्ड लिगॉन्ड है, वीक फील्ड लिगॉन्ड है तब हमें यहां से कुछ नहीं करना है, नो पेयरिंग, आगे बढ़िए। ठीक, इसके ऊपर जब 2- आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो ये भी टेट्राहेड्रल है बट ये पैरा मैग्नेटिक होगा, तो इसी में आपको 3-4 ऑप्शन मिला के कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ठीक, NiCO4 एंड NiCl4, टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट 2 और टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, दोनों क्या है? sp3 है फर्स्ट पॉइंट, बट टेट्राहेड्रल वाला जो है, ये क्लोरीन वाला जो है वो क्लोरिडो वाला क्या है? पैरामैग्नेटिक है, और CO वाला क्या है? डायमैग्नेटिक है। ठीक, NiCN4 क्या होता है? डाया होता है, लेकिन वो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां में s का जो ऑर्बिटल है ना वो खाली नहीं हुआ ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या मिला हमको? 0 मिला, 0 मिला तो कुछ निकला ही नहीं, बाकी में आप क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो s का खाली रहेगा तो वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो तीनों का भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये हम बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं पर क्वेश्चन यहाँ से मिला है। ठीक, तो चलिए मैं आपको यहाँ में शॉर्ट ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन जहां भी आएगा ना आप आंख बंद करके कर सकते हैं, मतलब देखना ही नहीं है। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रांच है केमिस्ट्री का। एक ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है कंपाउंड इन विच वन ऑफ द कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल, जिसमें हमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड मिला हो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे ग्रिग्नॉट एजेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब ये इसको ऐसे क्वेश्चन आगे भी हमको दो तीन क्वेश्चन और मिलेगा शायद, बहुत सारा क्वेश्चन है। तीन तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड, एक दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्डेड और तीसरे को बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बोट। ठीक है, तो मैं इसका पूरा यहाँ पे चिट्ठाई खोल देता हूँ, पोस्टमार्टम कर देता हूँ। चलिए, सिग्मा बॉन्डेड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं, दे कॉन्टेन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, चलिए यहाँ में क्या आ जाएगा, दे कॉन्टेन पाई बॉन्ड। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड और यहाँ में क्या आएगा, दोनों होगा। ठीक, चलिए अब असली कहानी यहाँ पे ठीक, इसमें क्या होते हैं एक्चुअली ये नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल और मेटल वैट। अगर इस तरह का आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, चलिए जैसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट आर एम जी पैक्स, एक आर टू जेड एन, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट, आर टू सी डी, एक टेट्रा इथाइल लेड सी टू एच फाइव का होल फोर पी बी, एक इसको टेल बोलते हैं। तो इस तरह के जब कॉम्प्लेक्सेज आते हैं ना, ये एक्चुअली क्या हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है, या PbCH3 का होल थ्राइस लिख देगा, ठीक है, C2H5 का होल थ्राइस Al लिख देगा। तो इस तरह का जब आएगा, जैसे यहाँ में Al, तो जो नॉन ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक यहाँ में नहीं आएंगे, इनको छोड़ के बाकी कोई अगर आता है तो हम उसको बोल देंगे सिग्मा बॉन्डेड। ठीक, पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं, इसमें ट्रांजिशन मेटल वाले आएंगे, ट्रांजिशन मेटल जिंक आयरन कॉपर क्रोमियम लाइक दैट विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब इथाइलीन हो सकता है, ठीक है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, तो वो हमारा होता है पाई बॉन्डेड। तो ये ट्रांजिशन मेटल आपको मिलना चाहिए। चलिए इसमें जो एक और शॉर्टकट आपको मैं कर दूं यहाँ पे, मेटलोसिन, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलोसिन, मतलब मेटल के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे आप देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है रूथेनियम के साथ रूथेनोसिन, फेरोसिन आयरन के साथ, कोबाल्टोसिन कोबाल्ट के साथ। तो जब इस तरह का नाम आएगा ना सिन मेटलोसिन, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डेड है। ठीक, सबसे पहला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया गया था उसका भी एक नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं जेस साल्ट, ये C2H4 के साथ बनता है। ठीक है, फॉर्मूला तो यहाँ में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चलिए K3 इसका फॉर्मूला होता है K PtCl3 ईटा के पावर 2 C2H4। तो C2H4 के साथ आएगा, मतलब इथीन के साथ अगर आपसे कहता है कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो उसका नाम है जेस साल्ट। ठीक, तो पाई बॉन्डेड कब आएंगे, जब एल्कीन एल्काइन बेंजीन के साथ कंपाउंड बनेगा, कौन बनाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, इसमें जनरली मेटलोसिन हमको मिलता था, कोबाल्टोसिन है, फेरोसिन है, रूथेनोसिन है, जेस साल्ट है, एडाई बेंजीन क्रोमियम है। तो जब ट्रांजिशन मेटल आएगा ना तो आप समझ जाएगा कि वो पाई बॉन्डेड है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा मेटलोइड्स आएंगे तब हमको समझ जाना है कि वो सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक, और दोनों कब आएगा, जब कार्बोनिल्स आएगा, CO मेटल कार्बोनिल्स देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा CO कार्बोनिल्स जब आएगा ना तब वो दोनों होगा। क्लियर, एक FeCO होल 5 Mn2CO का होल 10, इस तरह का जब MCO6, तो जब CO के साथ कोई कंपाउंड दिया है तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड या बोथ इसमें आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा।
तो भी एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कौन आएगा, ये मेटलोसिन तो आएंगे नहीं, क्या आ गया, ग्रिगनॉट रिएजेंट, इलमान रिएजेंट, फेक्लैंड रिएजेंट, टेल टेट्राएथाइलेट, इस तरह का नाम हमको दे देगा, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि हमें ग्रिगनॉट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक क्लियर हो जाएगा। चलिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद दिस कॉम्प्लेक्स। ये वैसे किस कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन, वर्नर्स थ्योरी पे है, वर्नर्स थ्योरी, इसका और डिटेल पोस्टमार्टम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलिए। इसका मैं एक स्टेप बताता हूँ, ये भी 17 का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे ना, आपको क्या करना है, बस 6 के बाद जितना एक्स्ट्रा होगा हो गया, 6 मतलब यहाँ पे देखिए Cl3 लिखा है और 6 अमोनिया, तो टोटल कितना हो गया, 6 + 3 9 हो गया, ठीक 6 अमोनिया लिखा है और 3 क्लोरीन, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 9, यहाँ में कितना लिखा है 3 और 5 कितना हो गया 8, यहाँ में कितना लिखा है 3 और 4 कितना हो गया 7, तो बस आप 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए कितना बचा 3, 8 में से 6 को माइनस कर दिए कितना बचा 2, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 1, देख लीजिए 3 2 1 कहीं दिखाई दे रहा है, यस ये आ गया, ठीक। अभी कैसे आया क्या आया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब पूरा डिटेल में लेके आऊंगा ना, पूरा वर्नर्स पे ही पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर यहाँ मान लीजिए 3NH3 लिखा होता तब कितने मोल्स AgCl बनते हैं, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला, 6 से जितना है ना, जितना आपको यहाँ लिखा रहेगा नंबर उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चलिए 3 6, तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 9, यहाँ में क्या था 3 और 5, 5 + 3 8, ठीक 3 और 4 कितना हो गया 7, ठीक। तो हमने क्या किया आपको बोला कि 6 माइनस कर दिए, तो 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ये हमारा आंसर हो गया 3 2 1। चलिए अगर यही मान लीजिए 3 और 3 लिखा है तो टोटल कितना लिखा है यहाँ पे 6, अब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0, मतलब 0 मोल AgCl यहाँ में प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि ये 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया तीनों ब्रैकेट के अंदर होंगे, जिसको हमने क्या पढ़ा था थ्योरी सेशन में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई भी यहाँ में बाहर नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक क्लियर है। तो अगर लिख के दिया हमसे पूछ रहा है कितना मोल आ रहा है तो आप 6, चलिए उल्टा अगर लिखा है कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल आ रहा है तो 6 में ऐड कर लीजिए, ठीक है क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए 17 का ही क्वेश्चन है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, एनर्जी ये होता है HC/लैम्डा, और ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड होगा उसमें एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड के लिए, ठीक। चलिए अब तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो हमको क्या पूछा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो पहले लिखा है वो कम है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा, ठीक। तो पीछे मैंने क्या किया था, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका निकाला था, शायद यही नाम था CoEn का होल 3, अब जब इसकी एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम है ना, वेवलेंथ सबसे कम हो गया तो बाकी हमें सोचना ही नहीं, सबसे वीक होता है वाटर, ठीक वाटर में तो कोई डाउट ही नहीं है वो तो वीक ही होता है, तो वीक है तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ देगा। अमोनिया, हाँ ये इसकी कहानी है, मैं यहाँ नहीं देता हूँ, देखिए अगर ये अमोनिया Cr3+ के साथ है और Cr3+ के साथ है माइंडेड 3+, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड है, बट अगर ये +2 के साथ है चाहे क्रोमियम हो चाहे कोबाल्ट हो तो फिर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक बाकी के साथ आएगा तो वीक है, ठीक है एक यहां से हमारा ट्रिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसीलिए ये बीच में आएगा, सबसे कम एनर्जी किसका होगा
वाटर का होगा तो इसलिए वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन पिक सी, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6-3-। चलिए क्वांटिटी नंबर क्या था, 6। मैंने पीछे 4 का लिख दिया था, अब 6 का लिख देता हूं। 6 में दो ऑप्शन होता है sp3d2, इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये जनरली हमें कब मिलता था, वेक फील्ड अकाउंट आएगा। ठीक, वेक फील्ड आने से क्या बोलते हैं इनको, हाई स्पिन, और हाई स्पिन का मतलब क्या बोलते थे, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि यहां में क्या होता है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है, मतलब कोई डी में हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे वैसे छोड़ दीजिए। ठीक, इसी में उल्टा कर दीजिए, d2sp3d2 का मतलब 3d, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, इनर, बोलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जनरली क्या होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगॉन्ड आता है, लाइक साइनाइड आएगा, CO आएगा, ठीक है, अमोनिया आएगा क्रोमियम कोबाल्ट के साथ, इनको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन, मोस्टली ये क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक, मोस्टली 100% तो नहीं कहेंगे, इसलिए लो स्पिन होते हैं उसमें डाया मैग्नेटिक। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या करेंगे, हमें हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री दोनों की फिलहाल सेम होती है, ऑक्टा हेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टा हेड्रल। चलिए अब थोड़ा ऑप्शन को आप पिक करिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो ये तो जनाब गए, ये तो जनाब गए, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब यहां में sp3d2 लिखा है, यहां में d2sp3 लिखा है, तो साइनाइड है, तो साइनाइड स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, जब स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है तो क्या करेगा, d2sp3 करेगा, आंख बंद करके। चलिए पूरा इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मैग्नीज का कितना होता है, 25, है ना, तो मैग्नीज 25, तो यहां में क्या हो जाएगा, 3d5 4s2, इसको जब आप प्लस 3 में लेके जाएंगे, तो मैग्नीज को प्लस 3 में लेके जाइए, तो यहां से 2 निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा, तो क्या बचेगा, 3d4 4s0। चलिए अब कहानी में आप एक इसको बॉक्स में बनाइए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, ठीक, एक खाली है, एस खाली है, फिर पी का पूरा 3 खाली, 1 2 3, ठीक है, अब देखिए खाली है तो जंप नहीं मार सकते। ठीक, अगर आप दोनों पेयरिंग करा देंगे, क्योंकि साइनाइड तो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, तो पेयरिंग होने से क्या हो जाएगा, तो चलिए अगर ये भी है कि d2 d3 नहीं होता, याद रखिए d2 sp3 उतनी ही पेयरिंग कराना है जिसमें d2 आएगा। ठीक, अगर हम दोनों पेयरिंग करा देते हैं तब उस केस में कितना खाली हो जाएगा हमारा, 1 2 3, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसलिए क्या होते हैं, एक पेयरिंग करेगा और एक पेयरिंग नहीं करेगा, यहां से d2sp3, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या पूछेगा, पैरा मैग्नेटिक, वैल्यू रख दीजिए तो निकाल दीजिए, 2 × 2 + 2 8 का मतलब 2.7 समथिंग, 2.8 समथिंग। ठीक, इसलिए पेयरिंग में हमें उतने ही कराना है ना, जितना हमारा d2sp3 मिले, d3 आ रहा है पेयरिंग से तो हमें नहीं करना है, क्लियर है। चलिए ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने दो नाम पढ़ा था, एक क्या बोलते थे T2G और एक को बोलते थे EG, जो स्क्वायर वाले होते हैं, dx² - y² और dz² ये कहां में आ रहे हैं, एक्सिस में आते हैं, दैट्स ऑल। तो हमारा ऑप्शन हो गया, इसी को लिख सकता था यहां में EG सेट। T फॉर ट्रिपल, ठीक, ट्रिपल मतलब तीन नॉन एक्सियल वाले, xy yz zx, जो प्लेन में होते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट डालने से कौन सा क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा,
मतलब जीरो AgCl प्रेसिपिटेट, ये सेम वही क्वेश्चन का है ना, और आपको मैंने पूछा भी था क्वेश्चन। तो इसमें कितना आ रहा है, थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री मतलब सिक्स है, इसमें कितना है सेवन है, इसमें कितना है एट है, इसमें कितना है नाइन है, इसमें से सिक्स माइनस करेंगे तो थ्री आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो टू आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो वन आएगा, बट यहाँ माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आने का मतलब नो प्रेसिपिटेट। और ये पीछे का ऑलरेडी क्वेश्चन है, थ्री टू वन मोल्स ऑफ AgCl रिस्पेक्टिवली, ठीक। चलिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है, रटना नहीं है बट करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और तब सोचेंगे इस क्वेश्चन से ये पूछ रहा है ना, क्या क्वेश्चन और बन सकता है, तो आपको पता रहेगा कि इतने में से ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। चलिए, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट CO(CN6)3- इज ट्रू, Cobalt(3- इज ट्रू। चलिए, कोबाल्ट का कितना होता है, एक्चुअली ये आपको करना चाहिए था, कोबाल्ट इज 27, 27 का मतलब क्या हो गया 4s2 3d7, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एक साइनाइड माइनस वन, सिक्स है तो माइनस एक, दोनों सेम साइन है तो यहाँ में हो गया प्लस थ्री, तो कोबाल्ट को प्लस थ्री में लेके जाएंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, दो दो यहाँ से एक यहाँ से, मतलब क्या बन गया 3d6 4s2, ठीक। चलिए, बॉक्स बनाएंगे तभी हम कलर्ड पैरामैग्नेटिक बता पाएंगे सही सही, तो वन टू थ्री फोर फाइव, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, थ्री फोर फाइव, एक यहाँ में सिक्स, ठीक। ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। चलिए, अब क्या कर रहा है, साइनाइड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, साइनाइड है, साइनाइड है तो वीआईपी है, वीआईपी है तो साइनाइड मारेगा, मतलब हमें पेयरिंग कराना है तो करा दीजिए, तो ये पेयरिंग यहाँ में आ जाएगा, ये पेयरिंग यहाँ आ जाएगा, मतलब छह था ना तो तीन तो पेयर बन जाएगा, ठीक। पेयरिंग करा देने से क्या मिल जाएगा, यहाँ में सिक्स, हमें हमें क्या पूछ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जब पेयरिंग कराएंगे तो कितना है यहाँ में सिक्स, और यहाँ में कितना है टू, तो ऑड नंबर होने से क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर होने से क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो चार इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर तो आएगा ही नहीं कहीं से, ठीक। तो अब देखिए ए और डी, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट यहां में क्या लिखा है, हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब क्या होता था, नो पेयरिंग है ना, हाई स्पिन कब होता था, जब वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन आते थे, बट यहां में क्या हमें दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्या आएगा लो स्पिन कॉन्फिगरेशन। अब इसी को डाया और पैरा भी लिख सकता था क्वेश्चन में, बट फिलहाल हमको थोड़ा कंफ्यूज किया, लो स्पिन और हाई स्पिन, और यस ये फैक्ट है कि हम कंफ्यूज होते हैं, तो लो स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, इसलिए मैंने पीछे लिखा था पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तभी पॉसिबल होती है ना जब स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। क्यों पेयरिंग कराएगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब लोअर से हायर में नहीं जा पाएगा, तो फोर्स है पेयरिंग करने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, ठीक। चलिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, देखिए इसमें आयनाइजेशन तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, लिंकेज तो है ही नहीं, तब ज्योमेट्रिकल और आइसोमर, तो मैं यहां लिख देता हूं कि इस तरह के जब कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, ठीक, बाकी यहां में कोई दो सेम हो या दोनों डिफरेंट हो, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स दोनों देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज भी देते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरेज भी देते हैं, ठीक। बट इसमें सिर्फ सिस फॉर्म जो होता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ट्रांस वर्ड अगर कहीं लग गया तो आप उसको वहीं काट दीजिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक। चलिए, ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सिक्स है तो बस कुछ नहीं करना, आप ऐसे बना दीजिए, कह रहे हैं हमें बनाना नहीं है, बस देखना है किसमें होगा नहीं होगा। चलिए, दो क्लोरीन था, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, बाकी दो इथाइलिन डायमीन यहाँ लिख दिया, यहाँ मिल गया, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, ठीक। ट्रांस का मतलब क्या होता था, अपोजिट, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इथाइलिन डायमीन इधर में डाल दीजिए, इधर में डाल दीजिए, तो ये हो गया हमारा ट्रांस फॉर्म,
ट्रांस का जब आप मिरर इमेज निकालेंगे, सेल्फी लेंगे, तो हमें सेम आएगा, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं, लेफ्ट वाला राइट, लाइट वाला लेफ्ट, ऑलरेडी क्लैरिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म, इसलिए सीधा सीधा मैंने यहाँ लिख दिया कि ट्रांस है तो अब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक चलिए अब हमको क्या पूछ रहा है, टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछ रहा है, तो दो बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस, तो दो, और सिस फॉर्म वाला क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, तो दो और एक तीन, तीन का मतलब ठीक, ठीक है। तो एक जो सिस है ना उसी का मिरर इमेज है, तो वो एक वो हो गया और एक सिस हो गया और सिस का एक ट्रांस हो गया, तो तीन ही है ना, ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मिरर इमेज हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें करेक्ट ऑप्शन हो गया थ्री। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन दिस कॉम्प्लेक्स मैंने ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, तो बोलिए साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बॉन्ड है, निकिल है, तो डीएसपी टू, ज्योमेट्री पूछा होता तो स्क्वायर, प्लेनर, पिक और डाया मैग्नेटिक। हाँ, अगर ये NiCl4 लिखा होता तब सोचिए, तब क्या आता, sp3 आता, टेट्राहेड्रल आता और पैरा मैग्नेटिक आता, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखिए सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मेटल, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है जो थ्री सेशन में फर्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस किया था। तो इथाइलिन डाइमिन बाइडेंटेड है, तो कितना हो गया, एक से दो, दो से कितना हो जाएगा, टू इंटू टू मतलब फोर, ठीक, और ऑक्सीलेटो भी क्या है, बाइडेंटेड, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो गया सिक्स। प्लस पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, तो बोले कैसे निकालेंगे, इथाइलिन डाइमिन पे कितना चार्ज होता है, जीरो, सी टू, ओह सॉरी ये आपका क्लोरो भी तो है हमें, तो क्लोरो भी है, तो नहीं नहीं क्लोरो बाहर है ना, हाँ बाहर है, बाहर है तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक ठीक ये बाहर है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये ठीक सी टू ओ फोर, यहाँ में क्या है सी एल है, चलिए तो इसमें क्या होता है माइनस वन, तो यहाँ से क्या बोला था आपको प्लस वन, ठीक ये जीरो हो गया, और ऑक्सीलेटो फिलहाल ऐसा लिगांड है जिसपे कितना चार्ज होता है माइनस टू, तो माइनस टू, अब आपको क्या बोला था, दोनों अगर सेम चार्ज है तो माइनस करना है, दोनों अगर अपोजिट है तो वैल्यू को प्लस कर दीजिए, आई रिपीट वैल्यू को प्लस कर दीजिए, टू प्लस वन थ्री, क्योंकि यहाँ जो मेटल आएगा ना वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया सिक्स, दोनों का सम पूछा है, टोटल कितना आ गया नाइन, ठीक है क्लियर बताएगा, चलिए आप इसका देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, मैं इसको बता देता हूँ। The name of this complex ion, Fe, पहले क्या है नेगेटिव आता था, एनायनिक complex ion एनायनिक था तो मेटल का नाम बदलता था, तो मेटल को हम आयरन होने से मैंने पहले भी लिखा था, क्या बोलते हैं इसको फेरेट, ठीक, तो तीन जगह तो फेरेट लिखा है, ये तो कहानी खत्म है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो एक साइनाइड पे माइनस वन, सिक्स होने से क्या आ गया माइनस सिक्स, यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है माइनस थ्री, दोनों सेम चार्ज होने से आपको क्या बोला था वैल्यू को माइनस करना है, तो सिक्स में से थ्री गया तो यहां में आ गया प्लस थ्री, तो सब में प्लस थ्री है, ठीक। अब सिक्स है तो क्या बोलते हैं हेक्सा, तो चलिए लिख के तब ऑप्शन देखता हूं, सी एन को हम क्या बोलते थे साइनिडो, मेटल का नाम क्या बदल जाएगा, तो आयरन से फेरेट ब्रैकेट में इसका, एंड देन आयन है तो आयन, कौन सा ऑप्शन हो रहा है नो, साइनिडो नहीं होता है, साइनिडो होता है ऑप्शन, देख तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच सो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, चलिए इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, तो किसमें CFSE की वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। इसके लिए क्या बोलते हैं वीक फील्ड लिगांड होगा, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आने से, वीक फील्ड लिगांड में D5 आने से CFSE की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। वीक फील्ड लिगांड का D5 चाहिए हमको, क्या हमें, आप देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन Mn प्लस थ्री में आएगा, प्लस थ्री में आने से D5 नहीं आएगा क्योंकि खुद ही 25 है ना, आयरन 26 था, प्लस थ्री में जाएगा तो यस 3D फाइव आएगा, बस कहानी काम खत्म, ठीक है। तो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें क्या मिलता था D5 में, जब वीक फील्डिंग ऑन है, वाटर दिखाई दे रहा है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो ये सब वीक फील्डिंग ऑन है,
तो D5 जिसमें किसका आएगा, आयरन प्लस 3 में, सीधा सीधा याद रखना है, आयरन प्लस 2 में होने से 3D6 होता है। कॉन्फिगरेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट। चलिए इसको छोड़ देता हूँ। एंटी कैंसर एजेंट हमारा क्या था, सिस्प्लेटीन। ये रहा, तो या तो नाम देके पूछता है या तो फिर फॉर्मूला पूछता है, या कहीं कहीं स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। किसी का सिस का मतलब है बाउंडेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी ऐसे होती है, स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में नहीं होता है, ठीक। अब आप कहीं भी दो अमोनिया बैठा दीजिए अगल बगल, इसको हम बोलते हैं ना सिस, और दो क्लोरीन बैठा दीजिए अगल बगल, ये बन गया हमारा सिस प्लेटीन। तो कई जगह तो फॉर्मूला ऐसे बना के पूछा है, कई जगह नाम पूछा है सिस प्लेटीन, और यहां मैं आपको फिलहाल फॉर्मूला स्ट्रक्चर नाम एंटी कैंसर या फिर यूज फॉर ट्रीट कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक। तो याद रखिए सिस प्लेटीन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm बोर मैग्नेटॉन विल बी शोन बाय, बोर मैग्नेटॉन है तो फटाफट n की वैल्यू 1। अब देख लीजिए किसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक करके आप कमेंट हमें बता दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी नाम लिख दिया था। आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या था, sp3d2, और ये कब आएगा, जब वीक फील्ड लिगाउंड बनेगा। वीक फील्ड लिगाउंड इसमें कौन सा है, देखिए अमोनियम, अमोनिया जब आएगा ना स्त्री क्रोमियम के साथ और कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, कहानी खत्म। जिंक में क्या है, वो तो प्लस टू ही होता है ना, प्लस टू में होता है तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, 3D10 हो जाएगा, तो बच गया निकिल, ठीक। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना बिना केमिस्ट्री पढ़े, थोड़ा प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड लगाना होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी पीछे डिस्कस किया था, जहां दो ब्रैकेट दिखाई देगा ना हम आंख बंद करके सूंघ के बता देंगे कि ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक। यस, जब चार डिफरेंट लिगॉन्ड आते हैं ना 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब चार डिफरेंट लिगॉन्ड होते हैं तो वहां में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और जब 6 डिफरेंट होते हैं तो वहां में टोटल 15 बनते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक। तो देख लीजिए चारों डिफरेंट हो, जो भी हो इट डज नॉट मैटर, कॉन्डिशन नंबर 4 डिफरेंट लिगाउंड, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हालांकि सीस ट्रांस नहीं बोलते उनको, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो 3 का ऑप्शन कहाँ में दिया, यहाँ छुपा। अगर 6 डिफरेंट होते हैं तब कितना बनता है टोटल 15, तो ये भी नोट करके रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ दिस इज ड्यू टू आयनाइजेशन आइसोमेरेज, बात तो कुछ है नहीं, कोऑर्डिनेशन तो ऐसे ही नहीं होगा, लिंकेज तो वैसे ही नहीं होगा, आयनाइजेशन तो है नहीं, तो क्या बच गया, ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल बने आई। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 4 और +2, तो हमने ऐसे बना दिया, कहीं को भी कहीं भी रख दीजिए, सिस के लिए तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, यहाँ हमें अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया, अमोनिया मतलब एमाइन है, मैं अमोनिया अमोनिया बोल रहा हूँ, ठीक आदत। और इसका ट्रांस, ट्रांस के लिए क्या करेंगे, सेम ग्रुप हमें कहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायगोनल पे, मतलब एक यहाँ रख दीजिए NH3 एमाइन ग्रुप, यहाँ भी एमाइन, यहाँ भी एमाइन और यहाँ भी एमाइन, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। देखिए बोर्ड में हमें बनाना पड़ता है, यहाँ हमें बनाना नहीं है, बस इधर उड़ाना है, ठीक। ओके, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरी, ऑप्टिकल आइसोमेरीज के लिए चलिए, मैंने ऑलरेडी पहले भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरीज जनरली हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं मिलता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं मिलता, ओनली इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगॉन्ड, नो ऑप्टिकल आइसोमेरीज। ठीक, कब मिलेगा, जब कम से कम एक बाइडेंटेड लिगॉन्ड आना चाहिए फॉर्मूले में, तो या तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो बाइडेंटेड, या फिर AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड इथाइलिन डायमीन लाइक दैट, ठीक है। दो बाकी यहाँ में दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब या सेम भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, या इस तरह के कॉम्प्लेक्स, मतलब एक बाइडेंटेड तो होना मस्ट है, ठीक। तो बस कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, हाँ। और एक वर्ड और होता है, ट्रांस लिख दिया है तो ऑप्टिकल आइसोमेरीज नहीं होगा, बस इतना हमारे लिए काफी है। डज नॉट कह रहा है, तो मोनोडेंटेड कॉन्डिशन नंबर 4 है, खत्म है, ठीक।
अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिटी में मिलता है लेकिन जनरली हमें ऑप्शन में आता नहीं। कंडीशन नंबर सिक्स में मोनोडेंटेड है तो नहीं होगा, तो 3, 3, 6 अमोनिया मतलब एमीन एमाइन, और ये हो गया हमारा ऑप्शन। बाकी देखिए यहाँ भी थायलिन डायमीन है देगा, यहाँ भी थायलिन डायमीन है देगा, यहाँ भी थायलिन डायमीन है देगा, तो डज नॉट शो कह रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। ठीक क्लियर है। तो ट्रांसवर्ड लिखा है तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज कंडीशन नंबर सिक्स में अगर सब मोनोडेंटेड डिगॉन्ड है तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, स्क्वायर प्लेनर में होता ही नहीं है। ठीक कंडीशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल में जनरली हमको नहीं मिलता है, मिलेगा कब जब हमें एक सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी डिगॉन चाहिए एटलीस्ट एक। ठीक चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। ठीक इसमें कब कहां में ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है तो लो स्पिन जब कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का D5 में ये मैक्सिमम होता है। ठीक है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आप देख लीजिए उसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक अब इसमें किसमें D5 है आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, इसका ऑप्शन आप हमें बता दीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है D5 किस में आ रहा है, वहां से निकाल के आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर मतलब भाई नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक और उसके लिए क्या था प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बोलते थे काइरल कार्बन। तो देख लीजिए तो चलिए यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है दो स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो कोऑर्डिनेशन है, ये तो एनेंसियोमर ऑप्टिकल देगा नहीं, यहाँ भी नहीं देगा, यहाँ में मोनोडेंटेड लिगांड है तो भैया नहीं रहेगा बचा इथाइलिन, इतना हमको काटने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा दिखाई दे रहा है ना इथाइलिन। ठीक चलिए ये भी आइसोमेरिज का क्वेश्चन है CONO2 NH3 होल 4 Cl एग्जिबिट, क्योंकि बाहर में दिखाई दे रहा है तो इसको हम अंदर कर सकते हैं, ये NO2 बाहर जाएगा तो एक नाम क्या आ जाएगा आयनाइजेशन आएगा, बस अंदर बाहर करना है इन आउट। ठीक क्लियर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है NO2, NO2 क्या है एम्बिडेंटेड लिगांड है, NO2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम ONO। एक तो एम्बिडेंटेड लिगांड आ गया तो दूसरा क्या आइसोमेरिज देगा ये लिंकेज देगा। ठीक चलिए ऑप्शन देखिए आयनाइजेशन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल तो यहाँ में कोई पॉसिबल ही नहीं है तो काट दीजिए। ठीक ऑप्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है तो बचा क्या। ठीक ऑप्टिकल क्यों नहीं पॉसिबल था क्योंकि कंडीशन नंबर 6 मोनोडेंटेड है तो काम खत्म है तब। तो सिर्फ एक एक छोटा सा पॉइंट से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, हमें नहीं पता कि एम्बिडेंट लिगांड क्या है, जैसे कुछ NO2 की जगह पे क्या आएगा आयनाइजेशन, लेकिन सिर्फ इतना पता है ना कि ऑप्टिकल 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 थीमेटिकल। ठीक है इसी को तुक्का बोलते हैं सर। ठीक चलिए व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू रीच ऑप्टिकल आइसोमेरिज, अब आप बता दीजिए। देखिए ट्रांस ट्रांस तो पहले ही काट दीजिए, अभी मैंने सिर्फ कॉन्डिशन पे एक वीडियो डाला है, जिस दिन ये पूरा वीडियो डाल देंगे उस दिन तो आप मास्टर हो जाएंगे कॉन्डिशन के। ठीक है सिस कॉन्डिशन नंबर क्या आ गया 4 में भी आपको बोल दिया नहीं होगा बच गया 4। ठीक है क्लियर। ठीक है तो आइसोमेरिज का क्वेश्चन आप ऑप्टिकल के लिए तो आपको ट्रिक बता दिया है 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए इसको भी देखिए तो पीछे इसका मैंने पोस्टमार्टम किया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, हमसे क्या पूछ रहा है अमोंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड किस में आता था मतलब पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या है सिग्मा बॉन्डेड है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए आते थे नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन मतलब कह सकते किसमें आयरन कोबाल्ट निकलेशन नहीं है। ठीक तो दिखाई दे रहा है हमें ट्रांजिशन है तो पाई बॉन्ड, तो आयरन दिखाई दे रहा है, चलिए इसका नाम फेरोसिन नहीं पता है तो भी चलिए आयरन दिखाई दे रहा है, या आपको बोला था मेटलोसिन यही हमारा जेस साल्ट है, मैंने पीछे फॉर्मूला लिख दिया था तो कहीं कहीं जेस साल्ट करके भी क्वेश्चन है बट वो आईआईटी वगैरह में। ठीक ये भी क्रोमियम दिखाई दे रहा है तो मेटलोसिन इसको हैप्टिसिटी ऑफ लिगांड बोलते हैं। ठीक है ये हमारा क्या है नॉन ट्रांजिशन मेटल टीम ऐसे नहीं है ट्रांजिशन मेटल नहीं है बी ब्लॉक का है इसलिए नॉट द पाई बॉन्डेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी, ये क्या है एक्चुअली सिग्मा बॉन्डेड है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, फ्रैंकलिन रिएजेंट है, टेट्राएथाइल लेड है, एक इस तरह का मेटल नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग होगी मेटलॉइड के साथ आएगा तो वो
सिग्मा वांटेड है, इसका भी मैंने ट्रिक आपको पीछे बता दिया है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंटली कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बोथ, दोनों है, दोनों कब आता था, जब कार्बोनिल, कार्बोनिल कहीं दिखाई दे रहा आपको, देखिए ये तो होगा नहीं पाई बॉन्डेड, ठीक ये हो गया सिग्मा बॉन्डेड, यहाँ भी नहीं पाई बॉन्डेड, ठीक पाई बॉन्डेड, यहाँ भी जिस साल पाई बॉन्डेड, ये दिखाई दे रहा है यहाँ में मेटल कार्बोनिल है, तो सिग्मा एंड पाई बोथ, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर है तो लिगॉन्ड सेम लिगॉन्ड नहीं देगा, ठीक, एक तरह का तीन लिगॉन्ड और एक डिफरेंट नहीं देगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगॉन्ड आएंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज नहीं देते हैं, तो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज, इनको छोड़ के बाकी देगा, ठीक। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 में लिख दूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसी को एक्सटेंड करिए, एक ही तरह का 6 लिगॉन्ड नहीं देगा, क्योंकि वे कैन नॉट डिफरेंशिएट कौन सी से कौन ट्रांस है, इसमें एक तरह का 5 और एक डिफरेंट है तो भी नहीं देगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगॉन्ड आने से नहीं देगा, ये ना। अब ये डू नॉट शो वाले हैं, तो से दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, ऑप्शन देख लीजिए, 4-2 देगा, ठीक, एक तरह का 5 एक डिफरेंट नहीं देगा, यही पकड़ा गया, ये देगा 50-50 देगा, तो A5B ये नहीं देंगे, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, चाहे जो भी लिगॉन्ड हो, जो भी कॉम्प्लेक्स हो, वो विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज, ठीक, क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड ही नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक ही नहीं है, ठीक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक की डिफरेंस देखिए, एम्स का क्वेश्चन है, ऑर्गेनोमेटेलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होना है, तो फेरोसिन मेटलोसिन ये तो होते हैं, दस साल तो फर्स्ट ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड था जो बनाया गया था, ग्रिग्नॉड ये भी ऑर्गेनिक है, तो बस ये 6 प्लेटिन, ठीक। तो 6 प्लेटिन क्या था, देखिए ये एंटी कैंसर भी है, 1, 2, 3, 4, यहां में क्या होता है Cl, यहां में क्या होता है N, और इसमें कार्बन है ही नहीं, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कहां से होगा, ये है ना 6 प्लेटिन, PtNH3, सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, इसी को इसलिए इसका नाम बोलते हैं सिस प्लेटिन, तो ये सिस फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हम देख के आए थे आपको यहाँ से लास्ट 20 इयर्स का, ठीक, एम्स का, आईटीस का, नीट का, जहां का भी था, जिस कॉन्सेप्ट के भी था, ठीक है। तो अभी एक और बचा है, चलिए तो अब इसको अब आप बता दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमेरीज, ठीक है, डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमेरीज, ऑप्टिकल आइसोमेरीज को नहीं देगा, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रहा था पीछे, मोनोडेंटेलिगॉन देगा कौन, जिसमें कम से कम एक इथाइलिन देगा, देगा ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि सब मोनोडेंटेड है, तो यस इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए सब एम्स के क्वेश्चन है, जो हमें कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ CFSC फॉर कॉम्प्लेक्स आयन, नो डाउट कंडीशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल है, इसका हमें डेल्टा ओ की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा ओ की वैल्यू हमें दिया हुआ है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। देखिए सेम मेटल है, सेम लिगॉन्ड है, ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर भी है, 4, 2 + 2, 6 - 4 + 2, अब हमसे पूछ रहा है डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसके लिए ऐसे लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कि डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 इनटू डेल्टा ओ, तो इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया यहाँ पे, तो 18, चलिए ये जनरली 9 का मल्टीपल होता है, कैंसिल कर दीजिए 2, 4 × 2 = 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स, कहीं में है ये रहा,
ठीक। वैसे सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहाँ में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है ये भी, बट स्क्वायर प्लेनर फिलहाल हमें सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है। टेट्राहेड्रल जो होता है वो ऑलमोस्ट 50% होता है, 4/9, ठीक है। 2/3 उसकी ज्योमेट्री से आता था, 2/3 उसके स्प्लिटिंग से आता था, ठीक है। 4/9 टाइम्स होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल का मतलब क्वाड्रेशन नंबर क्या होगा, 4, 4 मतलब चार ही लिगांड होंगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्वाड्रेशन नंबर 6 है, तो वो 6 होंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ लिगांड चार्जेस ग्रेटर विल बी रिपल्सन, तो उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो फिलहाल यहाँ में वैल्यू अगर ऑक्टाहेड्रल दिया है तो टेट्राहेड्रल पूछेगा, टेट्राहेड्रल देके आपको ऑक्टाहेड्रल भी पूछ लेगा। तो दोनों का फॉर्मूला यही है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब हमारे टेट्रा देके ऑक्टा पूछ दे, नो प्रॉब्लम, 9/4 कर दीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विल गिव मैक्सिमम CFSE, तो पीछे मैंने किया हुआ था लो स्पिन D5, एक लो स्पिन D5 ध्यान निकालना नहीं है, वो हमें कॉन्फिगरेशन हमें निकालना था, ठीक। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फाउंडेशन केमिस्ट्री। आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, सेम फॉर्मेट पे रिपीटेड है, ठीक है। इसीलिए क्या थोरली आप क्या है कि इसको क्वेश्चन को देखिए, फिर से आप सामने रखिए और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए कि आर्गोमेटेरियल क्या था, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बोथ, ठीक। तब आपको जो भी नाम आएगा आप वहां से पिक कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का पैटर्न क्या था, कौन ऑप्टिकल देगा, कौन नहीं देगा, कौन ज्योमेट्रिकल देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, आयनाइजेशन क्या है, अंदर बाहर करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड क्या है, वीक फील्ड लिगांड क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ट्रिक, साइनाइड आने से, अमोनिया आने से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसके साथ क्रोमियम के साथ, लाइक दैट। इस तरह से डाया पैरा हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि आएगा कॉन्डिशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है, ठीक है। आप देखिए अगर थोरली पेपर को, प्रीवियस ईयर को, तो 1760 में तो चार चार क्वेश्चन आएंगे जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों का भी भला हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसका डिटेल भी हम इसका और भी वीडियो लेके आएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वर्नर्स थ्योरी का, वर्नर्स पास्टुलेट्स का, वर्नर्स थ्योरी पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, ठीक है। इसके नॉमिनेचर का और भी डिटेल्स वीडियो आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट आपको मिलता रहे। कमेंट करिए आपको समझ में आया है, कोई भी डाउट हो आप विदाउट एनी एजुकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक। सो थैंक यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते चलिए।